For more videos, please subscribe Technical Help and press the bell icon to get first notification of our technical videos. See something techie, see something helpful. हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने अभी रिसेंटली एक थंबनेल से ऐप बनाई है जिसको मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की ऐप है। तो देख सकते हैं ये दोस्तों, ये जो ऐप है मैंने सिर्फ एक मिनट में बनाई है और आप भी बना सकते हैं इस तरह की काफ़ी सारी ऐप्स इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ऐप में है क्या। ये एक शायरी और जोक्स ऐप मैंने बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ जोक्स मिल जाते हैं और अगर आप इन जोक्स को कहीं भी शेयर करना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया पर तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको टैप करना होगा और उसके बाद आप इसे जो है यहाँ से सिलेक्ट करके और इसे शेयर कर पाएंगे अभी अपनी सभी सोशल मीडियाज पर। तो ये ऐप मैंने बनाया सिर्फ एक मिनट में। आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि कैसे आप भी एक मिनट में इंस्टेंटली एकदम कोई भी एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस ऐप में तो यहाँ पर आपको मिल जाती है कई सारी कैटेगरीज और यहाँ पर जैसे आप कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कई सारे जोक्स की कैटेगरी, किस तरह का जोक आपको पसंद है। तो इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं कोई फेसबुक स्टेटस ऐप, व्हाट्सअप स्टेटस ऐप, जोक्स, शायरी, वॉलपेपर, इस तरह का कुछ भी अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक मिनट में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर या फिर अपने लैपटॉप पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आप अपने फ़ोन पर भी इसे क्रोम ब्राउज़र पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है और उसके बाद अगर आप इसे फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं बीटा डॉट थंबनेल को तो आपको एक कीबोर्ड और एक माउस की ज़रूरत पड़ेगी। माउस की ज़रूरत तो पक्का पड़नी है, कीबोर्ड की ज़रूरत हो सकता है कि आपको ना पड़े। तो चलिए बीटा डॉट थंबनेल आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको करना है क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देना है। तो जैसे कि आप अगर शायरी ऐप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर शायरी दे दीजिए, जोक्स बनाना चाहते हैं तो जोक दे दीजिए या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जैसे कि आपको हमेशा से थंबनेल पर दिखता था। अब यहाँ पर आपको बहुत थोड़े से काम करने हैं, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोटे से काम करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रीन वन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर लेते हैं। तो स्क्रीन वन हमारी खुली हुई है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर दिख रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हैं, जो वेस्ट हैं उनको हटा देना है। जैसे कि सो स्टेटस बार है तो हमें स्टेटस बार नहीं चाहिए अपने ऐप में, उसको हमें हटा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइटल, तो टाइटल में स्क्रीन वन लिखा हुआ है इसे भी आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर इसे जब आप हटा देंगे तो जो आपका ऊपर स्क्रीन वन लिख के आता है वो नहीं लिख के आएगा और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ और अपना कस्टमाइज नेम लिखना तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो आपको मिल जाएगा साइजिंग, तो यहाँ पर फिक्स्ड लिखा होगा, इसको आपको कर देना है रिस्पॉन्सिव, तो आपको रिस्पॉन्सिव कर देना ताकि जो एड्स हैं वो आपके फुल स्क्रीन पर आए। यहीं पर आपको दिख जाएगा स्क्रॉलेबल, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने से क्या होगा, जो आपकी स्क्रीन है वो स्क्रॉल भी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा काम हो चुका है स्क्रीन वन का। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या अटैचमेंट चाहिए होंगे तो उन्हें भी देख लेते हैं। अब दोस्तों कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आइकन कैसे सेट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन वन पे आपको यहाँ पर आइकन का जो है ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप अपनी किसी भी इमेज को अटैच कर सकते हैं एज अ आइकन अपने ऐप का। तो इस तरह से आप अपने ऐप में आइकन लगा सकते हैं। आप अपना आइकन जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से या फिर आप उसे पिक्सआर्ट पर भी बना सकते हैं अपने फ़ोन से ही। तो इस तरह से जो है आप अपना आइकन लगा सकते हैं। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं नाम तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे ऐप नेम, तो यहाँ पर जो आपने नाम पहले सिलेक्ट किया हुआ है वो लिखा रहता है, बाकी आप अगर चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यूज़र इंटरफेस में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वेब व्यूअर। तो वेब व्यूअर को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आना है अपनी स्क्रीन पर। तो वेब व्यूअर को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे अपनी स्क्रीन पर रख देना है। स्क्रीन पर रखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने देना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक जो है हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने स्क्रीन वन में कर लिए हैं वो सभी काफ़ी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने गूगल क्रोम पर या फिर गूगल पर सर्च करना है वो चीज़, वो टॉपिक जो भी आप ऐप बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप शायरी ऐप बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल शायरी लिखकर ही सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप जोक ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल जो है जोक लिखकर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप जोक लिखकर सर्च करेंगे या फिर जो भी लिख के आप सर्च करेंगे जिस बारे में आपका ऐप है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी वेबसाइट मिल गई हैं। तो चलिए मैं आपको एक जोक ऐप बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए ये वाली वेबसाइट हमने ओपन कर ली है,
ये एक शायरी ऐप की शायरी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शायरीज मिल जाएंगी। तो चलिए इस शायरी वाली वेबसाइट को हटा देते हैं, बात करते हैं जोक वाली वेबसाइट की। तो ये है जोक वाली वेबसाइट, और यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये जो जोक वाली वेबसाइट है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे अपने एंड्रॉयड ऐप पर, यानी कि इस वेबसाइट का ही हम एक ऐप बना लेंगे जो कि हमारा खुद का होगा। उसमें जो एड्स लगाएंगे उसका रेवेन्यू जो मिलेगा वो हमें मिलेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं हमें कैसे करना है। अब आपको करना क्या है, सिंपल, ऊपर आपको जो URL दिख रहा होगा उसे आपको इसका कॉपी कर लेना है। तो ये URL यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 123hindijokes.com, और इसे आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको अपने थंकेबल पर जाना है, और थंकेबल के जाने के बाद आपका जो वेब व्यूअर आपने लगाया हुआ था उसमें जाने के बाद आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अगर आप किसी और तरीके का ऐप चाहते हैं बनाना तो आप वो वेबसाइट डाल के उसका URL कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जोक ऐप का, जोक वेबसाइट का URL कॉपी करके यहाँ पर अपने ऐप में डाल दिया। अब यहाँ पर हमारा जो है डिज़ाइनर का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो थोड़ा सा काम करना है वो करना है अपने ब्लॉग सेक्शन पे। तो चलिए ब्लॉग सेक्शन पे चलने से पहले हमें अपने एड्स भी लगाने होंगे ताकि हमारा रेवेन्यू भी बने। तो यहाँ पर हम ज़्यादा एड्स नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर पर आजकल जो अगर एक ही पेज पे आपने 3-4 ऐड लगा दिए तो वो ऐप जो है बैन हो रही है, वो ऐप पब्लिश नहीं हो रही है। तो इसलिए आप ज़्यादा एड्स मत लगाइए, 1 या 2 ऐड आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है ब्लॉग में, स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है स्क्रीन 1 पर। उसके बाद आपको ले लेना है एक ब्लॉग व्हेन स्क्रीन 1 बैक प्रेस। तो जब आप ये ले लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप स्क्रीन 1 पर बैक प्रेस करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल पर, और एक ये आपको ले लेना है ब्लॉग इफ देन का। तो चलिए जब यानी आप बैक प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि कॉल वेब व्यूअर कॉल बैक, यानी कॉल जो वेब व्यूअर हमारा उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमें बैक जाना है। तो ये आपने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया। उसके बाद फिर से आपको वेब व्यूअर पर ही क्लिक करना है। तो जब दोबारा आप वेब व्यूअर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ब्लॉक्स खुल जाएंगे। और ब्लॉक्स खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक मिल जाएगा 5th नंबर पर कॉल वेब व्यूअर 1 गो बैक, यानी जैसे आप बैक बटन दबाते हैं तो कॉल वेब व्यूअर को एक नोटिफिकेशन मिलता है बैक जाने का, और उसके बाद दोस्तों वो बैक हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है अपने इंटीटीशियल ऐड पर, और वहाँ पर ले लेना है आपको एक ब्लॉक कॉल ऐड मोब इंटीटीशियल ऐड। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप बैक प्रेस दबाएंगे तो सबसे पहले एक ऐड आएगा, उस ऐड को जब कोई कट करेगा या फिर उसमें क्लिक करेगा उसके बाद ही जो है हमारा बैक होगा। तो इस तरह से जो है आप रेवेन्यू कमा सकते हैं अपनी एड्स लगाकर। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है बैक प्रेस में अपना ऐड लगाना, बाकी इसमें बैनर ऐड लगाने का कोई यूज़ नहीं है। फालतू में आप बैनर ऐड लगाएंगे और आपका ऐड जो है पब्लिश भी नहीं होगा। तो हमारा ऐड भी लग गया है। उसके बाद आपको ऐड आईडी डाल देनी है, वो आप कर लेंगे बड़े आसानी से। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने जो APK आपने बनाया है उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप बड़े मज़े से उसे जो है पब्लिश भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में आपका ही ये इतना बेहतरीन ऐप बन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।